कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आम लोगों के लिए राहत का ऐसा पिटारा खोला कि बीजेपी बेचैन हो गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के वादों को खतरनाक बताया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने जहां मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में न्याय को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तब पार्टी ने कहा था कि वो जो कहेंगे उसे करके ही दम लेंगे। बीजेपी ने इसी वादे को अपना हथियार बनाकर अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि जो वादा किया है वो निभा के रहेंगे, यानी साफ है कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की कोशिश करेगी। जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का आज का नेतृत्व जिहादियों और माओवादियों के चंगुल में है, तभी तो पार्टी कह रही है कि आईपीसी से सेक्शन 124 ए को हटा दिया जाएगा, यानी राजद्रोह अपराध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रावधान को इंदिरा, नेहरू, राजीव और मनमोहन ने छूने का प्रयास नहीं किया, राहुल गांधी आज वो बातें कर रहे हैं। जेटली ने कहा कि ये बेहद खतरनाक वादे हैं। हालांकि कांग्रेस ने तर्क दिया है कि राजद्रोह अंग्रेजों के जमाने का कानून है। देश में डिफेंस ऑफ इंडिया कानून बनाया गया है जो भारत के प्रति दुराग्रह करने वाले लोगों पर लागू होता है, इसलिए अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को रखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे एक तरफ जहां अरुण जेटली ने राजद्रोह को लेकर कांग्रेस पर वार किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस की न्याय यानी न्यूनतम आय योजना को लेकर हमलावर है। आज ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। इनका एक नारा जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। जो आप भी देखो, ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं, यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है। वैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र से किस कदर बौखलाई हुई है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।